परमात्मा कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए और जिस परम पिता परमात्मा ने हम सब लोगों को यहाँ भेजा हम सबके लिए अन्न जल फल फूल वनस्पति औषधियों से लेकर के समस्त प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान किया और उस ऐश्वर्य का हम किस प्रकार से प्रयोग करें उस ऐश्वर्य को हम किस प्रकार से देखें किस प्रकार से उसका उपभोग करें जिससे हमारा जीवन और इस जगत दोनों में ही विकास हो उन्नति हो सत्व का आधार हो और हम पूर्णता को प्राप्त कर सके ऐसा जो ज्ञान प्रदान किया वह वेद रूपी ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे सत्संग कर रहे थे उसका स्तवन कर रहे थे तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं और हमने पहले भी कुछ देखा था जिसमें परमपिता परमात्मा ने वेद वाणी के माध्यम से जो यज्ञ की महिमा बताई है यज्ञ की उपादेयता बताई है यज्ञ के लाभ बताए हैं यज्ञ का विधान किया है उसके ऊपर हमने कुछ चर्चा की थी और उसमें हमने यजुर्वेद के एक मंत्र को दे देखा था जिसमें हृतम च मे अमृतम च मे अक्षम च मे अनामयम च मे जीवातुष च मे दीर्घायुत्म च मे न अभयम च सुखम च मे शयनम च मे मे सुषाच मे कल्पता ये सारी की सारी चीजें हम यज्ञ के माध्यम से प्राप्त हो यज्ञ इन सारी चीजों को प्राप्त कराने में निमित्त बने या यज्ञ के माध्यम से सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं जो सत्य आचरण अमृतत्म क्षमा भाव आरोग्य जीवन दीर्घ आयुष्य अशत्रुत्व अभय उषा ये सब सुदीर से प्राप्त जिसके ऊपर हमने कुछ देखा था और यहाँ पे जैसे बताया कि हम शुभ निद्रा को अच्छी निद्रा को भी हम प्राप्त करें यज्ञ के माध्यम से और हम कहेंगे कि यज्ञ के माध्यम से अच्छी निद्रा कैसे प्राप्त होगी सामान्य रूप से हर किसी के मन में ये विचार आ सकता है और यहाँ वेद मंत्र के माध्यम से भी बताया कि इसे शुभ निद्रा अच्छी निद्रा हमें प्राप्त हो तो जब हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं दैनिक यज्ञ जो हम करते हैं तो उस दैनिक यज्ञ के माध्यम से जो ऊर्जाएं पैदा होती हैं जो एनर्जी पैदा होती हैं जो वह वा एनर्जी वायुमंडल के माध्यम से हम श्वास लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और जब हमारे मस्तिष्क में वो ऊर्जा एनर्जी प्रवेश पाती है तो उससे हमारी जो मस्तिष्क की जो कोशिकाएँ होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, तंदुरुस्त हो जाती हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता है कोई विकृति है किसी भी प्रकार का कोई उसमें आ, बाधा है तो वो दूर होती हैं और उसके साथ साथ हमारी मस्तिष्क की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो ग्रंथियां भी सक्रिय होती हैं मजबूत बनती हैं सशक्त बनती हैं और उसके माध्यम से स्रावित होने वाले जो स्राव हैं हार्मोन्स के वह भी एक विशेष प्रकार के प्रस्फुटित होते हैं विशेष प्रकार के बनते हैं, जो हमारे लिए लाभकारी चंदन है चंदन सुगंधित पदार्थ होता है उसको जब हम अग्नि में आहूति प्रदान करते हैं वो अग्नि में जलाते हैं तो उसमें से नाम का एक तत्व बनता है अब उसको जब हम श्वास के माध्यम से ग्रहण करते तो उसको कहते हैं सौ मनस्यकारी कहा गया जो प्रफलाल होता है वो सौ मनस्यकारी होता है और उसको हम श्वास के माध्यम से जब हम अपने भीतर ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे मन को सात्विक बनाता है हमारे मन की जो व्याधियां हैं हमारा मन जो चंचल है हमारा मन जो बेचैन है हमारे जो स्ट्रेस तनाव चिड़चिड़ापन है उसको दूर करता है ये शाख्ती है उसमें वो सामर्थ्य है उसमें एक विज्ञान है और ये जो परफ्यूम आदि हम छिड़कते क्यों मन की प्रसन्नता के आयुर्वेद ग्रंथों में भी इसका वर्णन है कि हम भोजन कर रहे हैं वहां जो स्थान हो वह सुगंधित स्थान हो जहाँ पे हम नित्य प्रति रह रहे हैं वहां पे भी किसी भी प्रकार का कोई सुगंधित वो स्थान हो कम से कम दुर्गंध वाला तो ना ही ना हो लेकिन सुगंध वाला ना हो तो नॉर्मल स्थान हो लेकिन जब हम भोजन कर रहे हैं तो उस समय तो सुगंधित स्थान हो तो और ज्यादा हमारे लिए श्रेयकर बताए क्यों क्योंकि जब हम सुगंध वाले स्थान पे रहते हैं उसे हमारे मन की सौ मनस्यता बढ़ती है हमारे मन की सात्विकता बढ़ती है हमारे मन की प्रसन्नता बढ़ती है और ये हर कोई व्यक्ति का अनुभव है साक्षात अनुभव होते हैं, जब सुगंध आती है हम रास्ते पे ही चल करके जाते हैं और कहीं बागान है जहां से सुगंध पुष्प की अच्छी सुगंध आ रही होती है तुरंत तो हम लंबा गहरा श्वास भर लेते हैं पर कितना मन को अच्छा लगता है सात्विकता आती है सुंदरता आती है मन का स्ट्रेस तनाव तुरंत हल्का होता है और उसके माध्यम से हमारे मन के जो पॉजिटिव श्राव होते हैं वो भी श्रावित होने लग जाते हैं तो ये एक तो सामान्य रूप से हमारे आचरण में व्यवहार में सर्वसिद्ध है जो सुगंध का हम प्रयोग करते हैं हम मिठाई भी खा रहे तो मिठाई में भी हम सुगंध डालते हैं आजकल तो क्यों उसमें मिठाई में भी सुगंध डालते हैं क्योंकि हमारी वो ग्राह इंद्रिय जब हम भोजन करते हैं उससे पहले इंद्रिय से वो पदार्थ ग्रहण होता है हम जब भोजन करते हैं तो वह पदार्थ ग्रहण इंद्रिय से पहले ग्रहण होता है जब जीवा टेस्ट लेती है उससे पहले तो जब ग्रहण इंद्रिय से वो हमारी ग्रंथियों तक जो सुगंध जाती हैं वो सुगंध के कारण उस प्रकार के हार्मोन स्वाभाविक रूप से क्रिएशन होने लगे स्वाभाविक रूप से बनने लगते हैं बदलने लगते हैं उससे पहले ही वो क्रिया हो जाती है हम जब भोजन बनाते हैं चाहे दाल है सात सब्जी है जिसको हम बनाते हैं उसमें भी विभिन्न प्रकार के हम छोंक देते हैं जो सुगंधित कारक होते हैं और उस सुगंधित कारक भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो हम जब उस सुगंधित कारक भोजन को ग्रहण करते हैं और हम अपने भीतर ले जाते हैं तो जब हम अपने भीतर उस भोजन को ले जाते हैं मुंह में डालते हैं मुंह में जब जीवा का पेस्ट होता है उस टेस्ट से पहले हम उसको के माध्यम से सूंघते हैं और वो हमारे और से उस, हम उस, उस टेस्ट को लेती है और उस टेस्ट को लेने के बाद जो मुंह में भी श्राव बनते हैं विशेष प्रकार के और वो श्राव और ग्रंथियों तो के बने स्राव और उस भोजन को हम चबा करके हम तो जब भीतर ले जाते हैं तो वो दोनों श्राव मिलकर के वो भोजन एक पूर्ण आहार इसलिए आयुर्वेद में भी विशेष प्रकार से बात बताई गई है कि हम जो भी भोजन करते वो अच्छा भोजन हो ऐसा भोजन, 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 भोजन का ग्रहण नहीं करना चाहिए उससे हमको उत्तम स्वास्थ्य नहीं मिलता है उससे हमारा मन तमोगुण से युक्त होता है इसीलिए कहा है कि सात्विक भोजन हमको लेना चाहिए ताजा भोजन लेना चाहिए हल्का सा उष्ण भोजन हमको लेना चाहिए इससे क्या होता है हमारी जठरा भी बनी रहती है हमारे हार्मोन्स भी अच्छे रहते हैं हमारे स्राव भी अच्छे रहते हैं दोनों प्रकार के स्राव एक तो हमारे मुंह में स्राव बनते हैं जब हम टेस्ट लेते हैं एक जैसे हम मुंह में देते हैं उससे पहले सुगंध के माध्यम से हमारे मस्तिष्क गंध पहुंचती है और उस ग्रंथियों से जो स्राव पैदा होते पूरे अस्तित्व में बोलते हैं ये तो बहुत तेज होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं जो हम सुगंध के माध्यम से जो स्राव होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हमारे लाभकारी होते हैं हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम होते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं तो आयुर्वेद में वर्णन है कि हम जब भोजन करते हैं तो भोजन करने का जो हमारा स्थान हो वो सुगंधीदायक हो आसपास में फूल इत्यादि रखा हुआ हो जैसे हमने भी यहाँ पे रखा है तो ये जो फूल होता है वो हमारे मन को सोमनस्यता देता है हमारे मन को सुंदरता देता है हमारे मन को स्ट्रेस तनाव चिड़चिड़ापन को दूर करता है और हमारे मन को प्रसन्न रखता है प्रसन्न बदन कर देता है इसलिए यह जो पुष्प है वो जैसे खिला हुआ देख करके भी एक हम देखते हुए भी हमारे मन में एक उल्लास एक खिला हुआ अपन आता है और उसकी सुगंध जब आती है तो उससे उस प्रकार के हार्मोन्स बनकर के उसका भी प्रभाव एक अद्वितीय हमारे तन और मन के ऊपर होता है इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं हवन करते हैं उससे जो हम विभिन्न प्रकार के जो सुगंधित द्रव्य उसमें डालते हैं चाहे उसमें चिरायता है चाहे उसमें इलायची है जावित्री है जायफल है या दालचीनी है या फिर इस प्रकार के और भी चंदन आदि या गुलाब के पुष्प आदि हैं जो सुखा करके उसमें डाले इस सुगंधित पदार्थ जो होते हैं उसको हम उसमें प्रदान करते हैं या सामग्री में मिलाते हैं ओहो हम में आहुति प्रदान करते हैं और वो जो सुगंध पैदा करते हैं, हैं, पूरे पूरे हैं, हैं, कर हैं, कर हैं। हाँ ये भी सारे साइंटिफिक रूप से प्रूव है ऐसा नहीं, कि नहीं, कि नहीं कि सुनी सुनाई बातें उड़ी उड़ाई बातें हम करें ना कोई ढोंगा डबर पाखंड नहीं पूरी वैज्ञानिकता है कि जिस पदार्थ को हम जलाते हैं उस पदार्थ को जलाने से उसी प्रकार के वोलेटाइल्स की भाष, उसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रकार के तत्व, वो सूक्ष्म रूप में, अग्नि भीतर हम जिसी, किसी भी पदार्थ को जलाते हैं वो उसी रूप में अति सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट भी हो जाता है कई गुना बढ़ भी जाता है उसके भीतर रहने वाली जो शक्ति है जो सामर्थ्य है उसके भीतर रहने वाले जो तत्व है मेडिसिनल वैल्यू है वो भी उद्भूत होती है वो भी बढ़ जाती है वो जागृत हो जाती है तो कई सारे लाभ है एक साथ हम अग्नि में इस की को प्रदान करते हैं तो उसके माध्यम से एक तो वह पदार्थ कई गुना बढ़ गया अति सूक्ष्म हो गया उसके भीतर जो क्षमता है सामर्थ्य है मेडिसिनल वैल्यू है वो भी कई गुना बढ़ गई जागृत हो गई और उसके बाद वो वायुमंडल में घुल गई पूरे वायुमंडल में फैल गई और उस पूरे वायुमंडल में किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध है तो उसकी निवृत्ति करती है उस वायुमंडल में जो बैक्टीरिया है जो वायरस है जो फंगस है जो हानिकारक गैसे हैं उसको भी खत्म करती है कम करती है दूर करती है और उस वायुमंडल में जब हम रहते हैं तो क्या होता है हम उत्तम वायु में रह रहे उस उत्तम वायु में सुगंधित वायुमंडल में पवित्र वायुमंडल में हम रहते हैं तो उससे हमारे तन और मन के ऊपर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ता है और ऐसा ही प्रभाव पड़ने के कारण हमारा मन भी सात्विक हो 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 जाता 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 है 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 स्ट्रेस तनाव चिड़चिड़ापन बेचैनी इनसे दूर हो जाता है। और स्वस्थ हो जाता है जब स्वस्थ मन हो गया तो किस प्रकार की हमारे शरीर में बीमारी प्रवेश पाती हो और यहाँ पे कहा हमारी निद्रा अच्छी हो निद्रा कब अच्छी नहीं आती जब स्ट्रेस है तनाव है चिड़चिड़ापन है बेचैनी है चिंताएं हैं तब नहीं आती और जब इस प्रकार का वातावरण में श्वास तो वो स्वाभाविक रूप से सारी मानसिक व्याधियां दूर हो जाती है प्रसन्न इंद्रिय मन स्वस्थ है प्रसन्न आत्म इंद्रिय आत्मा इंद्रिय और मन है जिसका प्रसन्न इंद्रिय मन स्वस्थ इत है उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा गया है उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है या कहते हैं सम है दोष जिसके वात पीत कफ ये तीन दोष होते हैं इन तीनों दोषों को भी सम अवस्था में रखने का करने का कार्य करती है सामग्री हवन अग्निहोत्र यज्ञ सम दोषा समाग्निश्च समधातु सम है हमारी अग्नि जो जठराग्नि होती है तीव्र होनी चाहिए ना भी हो जैसे भक्षक रोग कहीं लोगों को हो जाते हैं कितना भी खाए खाते ही चले जाए सारा हजम हो जाता है कितना भी खाए फिर भूख फिर भूख मोटे मोटे होते चले जाते हैं ना अति भी ना न्यून भी कई लोगों को कब्ज कॉन्स्टिपेशन की ही समस्या रहती है एक बार थोड़ा सा भोजन कुछ थोड़ा सा भी कुछ खा लेते हैं तो पछता ही नहीं है गुड़ गुड़ करता रहता है क्या क्या ये सारी समस्याएं नहीं हुई समाग्निश्चय सम धातु हमारी जो धातुएं हैं हम जो अन्न को ग्रहण करते हैं उसमें से रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र ओज जो भी धातु बनती वो सारी सम है जिसकी समदोषा, दोनिश्चय सम धातु मल क्रिया जो मल क्रिया है हम कई सारे प्रकार के मल छोड़ते हैं जिसे हमारे शरीर के ऊपर रोवे होते हैं ये भी एक प्रकार का मल है चाहे हमारा बाल है चाहे हमारे रोवे हैं ये मल है हमारे नाखून है मल है पसीना है वो मल है हमारी नासिका से जो बलगम निकलती है वो मल है हमारा जो थूक निकलता है एक प्रकार जो उसको हम थूकते हैं वो एक प्रकार का मल है और जिसको हम मल मूत्र से जानते हैं वो भी एक प्रकार का मल मूत्र भी मल है इस सारे के सारे मल सम हैं जिसके सम होनी चाहिए ना अत्यधिक भी ना न्यून भी कई लोग आप देखते हैं अभी शहर में विशेष करके आरामदायी जीवन हो गया है संसाधनों के ऊपर जीने का जीवन हो गया है। जिसके कारण वो शारीरिक मेहनत नहीं करते पसीना नहीं आता पसीना नहीं आता तो सारे जो होते हैं वो हमारे शरीर में ही एकत्रित होते रहते हैं और फिर बीमार होते हैं जब पसीना बहता है तो सारे के सारे जहर सारे के सारे टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं वो भी मल है एक प्रकार का उसको निकालना पड़ेगा नहीं निकालेंगे तो बीमार होंगे नाखून है एक प्रकार का मल है वो नहीं निकलेगा तो बीमार हो

प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते प्रसन्न है आत्मा इंद्रिय और मन जिसका प्रसन्न होना चाहिए आत्मा इंद्रिय और मन और हमारा मन कब प्रसन्न रहता है जब सुरभि सुगंधित द्रव्यों से युक्त रहते हैं सुगंधित वातावरण में रहते हैं पोष अच्छे वातावरण में रहते हैं स्वाभाविक रूप से हमारा मन जैसे बागान में जाते फूलों से खिला हुआ जो बागान होता है कितना मिस्ट्रेस इतना चिड़चिड़ापन चिंता ये कुछ भी है ऐसे बागान में चले जाते कितना प्रसन्न हो जाते खिले हुए फूल देखते उसमें से निकल रही है, सुगंधी निकल रही है उस सुगंधी को सुनते तो कितना मन शांत हो जाता है ये कोई सामान्य बात है। तो इस प्रकार से यज्ञ भी एक प्रकार की परमानेंट सुर भी देने वाला यज्ञ है और केवल सुर भी नहीं वो एक प्रकार की विशेष एनर्जी भी देता है और हमारे तन को हमारे मन को हमारी बुद्धि का शोधन भी करता है उसकी विकृतियों को दूर करता है उसमें उसमें समत्व को स्थापित करता करता है है प्रसन्नता का का और सत्व का आधान करता है। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में भी इसी प्रकार का कार्य करता है इस ब्रह्मांड में भी जो भी बैक्टीरिया है जो वायुमंडल में बैक्टीरिया है वायरस है फंगस है या किसी भी प्रकार की कोई विकृति है किसी भी प्रकार का कोई भी असंतुलन है दोष है दुर्गंध है उसको भी दूर करके सत्व का आधान करता है सुरभि का आधान करता है उत्तमता का आधान करता है इसी प्रकार हमारी भूमि में जल में वायु में आकाश में प्रकाश में सब जगह पर ये यज्ञ सत्व का आधान करता है समत्व का आधान करता है उनकी विकृति को दूर करने का काम करता है और इसीलिए यहाँ पे हमको जो अभयत्व प्राप्त की बात है सुख प्राप्ति की बात है या फिर सुदिन और शुभ उषा की बात है हमारी उषा भी सुबह हो मानी हमारा जो सुबह सुबह हम सुबह में ही तो विशेष सुबह और शाम संध्या के समय ही तो यज्ञ करते हैं हवन करते, करते हैं अग्निहोत्र करते हैं जो दैनिक रूप से किया जाता है वो भी एक वैज्ञानिक कारण है सुबह शाम के दोनों समय संध्या के समय करना वो भी हम आगे चर्चा करें देखेंगे उसके ऊपर भी विस्तार तो इस मंत्र के माध्यम से जो बातें हमको बताई गई हैं जो बातें हमारे सामने आई हैं उन बातों का हम ध्यान रखते हुए हम अपने जीवन को जीते हैं अपने जीवन का आचरण करते हैं हम अपने जीवन में इन उत्तम पद्धति को श्रेष्ठतम पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति को सूक्ष्मीकरण के सिद्धांत की पद्धति को एनर्जी लेवल को बढ़ाने की पद्धति को हम अपनाएंगे देखेंगे उसके ऊपर हम आचरण करेंगे या उसका हम आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धीरे 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 सत्व से युक्त होता हुआ हम अंत हुए हम पूर्णता को प्राप्त कर ले जो यहाँ पे कहा है कि अमृत तत्व चमे तत्व को हम प्राप्त कर ले तत्व क्या है यही तो तत्व है यही तो सत्व सुख सुख शांति ज्ञान विवेक सत्व ये सारी जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव स्थितियां जो भी उत्तम है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं इसीलिए इस मंत्र के माध्यम से हमको कितनी सारी बातें बता दी सत्य आचरण अमृत तत्व क्षमा भाव आरोग्य जीवन दीर्घ आयुष अस्तुत्व सुख अच्छी निद्रा सोभन उषा और सुदिन ये सारी चीजें हमें यज्ञ से प्राप्त हो जाती है एक यज्ञ लाभ अनेक है बस हम इसे अपनाए ये हमारे लिए एक प्रकार की एक पारस मणि है जैसे हम कथाओं में सुनते हैं एक पारस मणि जो होती है जिस किसी चीज को छुआ देते हैं उस पारस मणि को वो स्वर्ण की बन जाती है सोने की बन जाती है अति कीमती हो जाती है अति उपयोगी हो जाती है अति सही हमारे लिए वो कीमती हो जाती है उसी प्रकार ये यज्ञ है ये हवन है ये अग्निहोत्र है यह होम हो है यह हमारे लिए पारस मणि है इस पारस मणि को जब हम अपनाते हैं इस पारस मणि को जब हम आचरण में लाते हैं यज्ञ करते हैं हवन करते हैं अग्निहोत्र करते हैं होम करते हैं तो उस यज्ञ को अपनाने मात्र से हमारा तन भी अति कीमती हो जाते हैं अर्थात यज्ञ के माध्यम से जब पारस्मणिक जैसे कोई पदार्थ को छूती है और वो अति उत्तम हो जाता है स्वर्ण का बन जाता है स्वर्ण का माने अति उत्तम बन जाता है अति श्रेष्ठ बन जाता है उसकी कोई किसी भी प्रकार की उपादेयता जो है वो बढ़ जाती है उसकी उसकी शक्ति सामर्थ्य उसकी ऊर्जा उसकी जो उपादेयता ये सारी चीजें बढ़ जाती है उसी प्रकार जब हम यज्ञ का आचरण करते हैं तो हमारा तन हमारा मन हमारी बुद्धि हमारी इंद्रिया सारी उत्तम बन जाती है श्रेष्ठ बन जाती है कल्याणकारी बन जाती है उसकी विकृतियां दूर हो जाती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं रहता और ये इंद्रियों के माध्यम से हम जो भी करेंगे सबके लिए हितकर होगा इस शरीर के माध्यम से इस बुद्धि के माध्यम से, से इस मन के माध्यम से जो भी सोचेंगे करेंगे तो... वो सारा का सारा, सारा सबके लिए ब्रह्मांड के लिए भी और सामान्य जनता के लिए भी और समस्त सराचर जगत के लिए जो चर है और जो अचर है जो चलने फिरने वाला है जो स्थिर है सबके लिए उत्तम हो जाएगा सबके लिए कल्याणकारी हो जाएगा सबके लिए श्रेष्ठकर हो जाएगा सबके लिए शुभ हो जाएगा और इसी प्रकार से जब हम यज्ञ करके खेती करते हैं कृषि करते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले जो अन्न है उससे उत्पन्न होने वाले जो फूल हैं, उससे उत्पन्न होने वाले जो साग सब्जियां हैं उससे उत्पन्न होने वाले जो फल हैं, वो भी अति उत्तम गुण से युक्त हो जाते हैं अति उत्तम श्रेष्ठतम बन जाते हैं और उसका जब हम सेवन करते हैं तो हमारे इसलिए यज्ञ जो है तो चीज के साथ आप जोड़ देंगे उसको श्रेष्ठ बनाने, बनाने का उसको पूर्णता से युक्त करने का उसके अंदर दिव्य गुण कर्म स्वभाव का आधान करने का काम कर देता जैसे पारस्मरण छूने से वो स्वर्ण की चीज बन जाती है और अति कीमती बन जाती है उपयोगी बन जाती है और उसका उपयोग हो जाता है उपादेय हो जाती है उसी प्रकार से यज्ञ हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा तन हमारा मन हमारी बुद्धि भी ऐसी बन जाती है उत्तम श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव से इसी प्रकार से हम उसी यज्ञ को कृषि के लिए प्रयोग करते हैं तो कृषि भी हमारी ऐसी हो जाती है इसी प्रकार से हम वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए यज्ञ का प्रयोग तो वो वायुमंडल भी एनर्जी से युक्त हो जाता है जीवनीय शक्ति से युक्त हो जाता है देवीय शक्ति से युक्त हो जाते हैं वहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रह सकती है किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं ले सकती वहां पे दिव्यता का दान वो वायुमंडल हमारे लिए सेस कर हो जाता है इस वायुमंडल में श्वास लेने मात्र से उस वायुमंडल में रहने मात्र से हमारा कल्याण होने लग जाता है ऐसा वायुमंडल तैयार करने का कार्य यज्ञ अग्नि करती इसलिए है इसलिए ये पारस मणि है हमारे लिए इसी प्रकार कोई बीमार है वृद्ध है उसको भी यम यज्ञ करा नहीं तो उसको भी वापस पुनर्जीवित करने की उसकी वृद्धावस्था को दूर करने की अर्थात किसी भी प्रकार की कोई भी विकृति है है तो उन दूर करके उसमें उत्तम गुण कर्म स्वभाव या उत्तमता जो भी है। उसको बढ़ाने का काम करती हैं उसको श्रेष्ठ करने का कार्य करती हैं इस प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं हवन है, करते हैं अग्निहोत्र करते हैं तो उससे हमारा तन हमारा मन हमारी बुद्धि हमारा इन्वायरमेंट वातावरण जो वायुमंडल है हमारी भूमि है हमारा आकाश है हमारे जो प्रकाश है वहां से लेकर के संपूर्ण यह सारा चराचर ब्रह्मांड है वो सारे ब्रह्मांड में समत्व की एनर्जी की ऊर्जा में स्थापना होती है इसलिए कहा है अयम यज्ञो भुवनस्य ना यह जो यज्ञ है वो सारे के सारे चराचर भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि है उस नाभि को हम पहचाने, उस नाभि को हम महसूस करें उस यज्ञ को हम अपनाएं, और उस यज्ञ को अपना करके अपने जीवन के साथ साथ इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हम दिव्यता का आदान करें तो आइए ऐसी जो हमारी श्रेष्ठतम संस्कृति भारतीय संस्कृति ऋषि संस्कृति वैदिक संस्कृति जो याज्ञिक संस्कृति है उस संस्कृति को हम अपनाएं यज्ञ को अपनाएं हवन को अपने को अपनाएं और अपने जीवन के साथ साथ संपूर्ण चराचर जगत में ब्रह्मांड में हम दिव्यता का आधान करें तो आज इतना ही इसी के साथ ओ शांति शांति शांत